आसान से कुछ सवाल है जिससे हम अपने कॉन्सेप्ट्स बना सकें, इसलिए सवाल जो है वो कंपैरेटिवली बहुत आसान है, ताकि जो है ना सारे कॉन्सेप्ट्स बन सके हमारे। हम पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ रहा है, करंट यूनिट्स रिड्यूस्ड एंड सोल्ड 7 यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट 100, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 5, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 10, व्हाट इज द कंपनीज करंट प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, ये सवाल आप करते जाएंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। देखिए, करंट आपने प्रॉफिट या लॉस बताना है, तो करंटली आपका जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो कितना होगा, 7 यूनिट्स का 10 रुपए के हिसाब से, 7 यूनिट्स का 10 रुपए के हिसाब से 70 होगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 7 यूनिट्स की 5 रुपए के हिसाब से, 7 यूनिट्स की 5 रुपए के हिसाब से 7 × 5 यानी कि 35 होगी वेरिएबल कॉस्ट। और कंपनी की करंट जो कंट्रीब्यूशन होगी, कंपनी की जो करंट कंट्रीब्यूशन होगी वो भी, कंपनी की करंट कंट्रीब्यूशन भी जो है वो 35 होगी। फिर कंपनी की फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे, तो कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो 100 रुपए है। तो कंपनी को करेंटली लॉस हो रहा है, और कंपनी का करंट जो लॉस है वो 65 रुपए का, ठीक है। ये कंपनी का करंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो उसने हमें ये बोला था कि करंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, वो हमने बना लिया। फिर बोलता है, देयर इज एन ऑर्डर ऑफ 2 यूनिट्स एट ₹6 पर यूनिट सेलिंग प्राइस, शेल द कंपनी एक्सेप्ट द न्यू ऑर्डर एज वेल। एक और ऑर्डर आया है जिसमें हमें 2 यूनिट्स बनाने हैं और 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस 6 रुपए होगी, क्या कंपनी ये नया ऑर्डर एक्सेप्ट करे या नहीं। अगर कंपनी नया ऑर्डर एक्सेप्ट करेगी तो पहले वाला 70 का सेल रेवेन्यू अपनी जगह होगा, और 6 रुपए के हिसाब से मजीद 2 यूनिट्स कंपनी बनाकर बेच रही होगी, तो कंपनी का सेल्स रेवेन्यू जो है वो 70 + 12 यानी कि 82 पर चला जाएगा। अच्छा, कंपनी की जो वेरिएबल कॉस्ट है, अब क्योंकि 7 नहीं बल्कि 9 यूनिट्स होंगे, तो 9 × 5 यानी कि 45 पर चली जाएगी। कंपनी की कंट्रीब्यूशन की वैल्यू 37 पर चली जाएगी, और कंपनी का जो लॉस होगा ना अब वो हो जाएगा 63, ठीक है। कंपनी का जो अब लॉस होगा वो 63 हो जाएगा, इसका मतलब लॉस कम हो रहा होगा। तो क्या कंपनी को ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए? यस। अब एक तरीका तो ये होता है कि आप करंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाओ और न्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाओ, दोनों को कंपेयर करो। दूसरा तरीका होता है कि आप डिसीजन मेकिंग में इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज देखो, यानी कि रेवेन्यूज में कितना इंक्रीज है, 82 - 70 यानी कि 12 का इंक्रीज है, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट का इंक्रीज देखो, तो कॉस्ट में जो इंक्रीज है वो 10 का इंक्रीज है। लिहाजा आपके इंक्रीमेंटल प्रॉफिट जो होंगे वो 2 होंगे, फिक्स कॉस्ट में किसी भी तरह का कोई भी इंक्रीज नहीं था, ठीक है। अब यहां पर आपने ये सीखा कि आप 2 तरह के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो। एक काम तो आप ये कर सकते हो कि आप पुराना वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नया वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और दोनों की फुटिंग्स को कंपेयर करो। दूसरा केस ये है कि आप इंक्रीमेंटल वैल्यूज को चेक करो, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, इस तरह से काम करो, ठीक है जी। तो ये दूसरी चीज हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर ए हैज गॉट अ लैपटॉप विद फॉलोइंग कॉस्ट डिटेल्स। मिस्टर ए के पास एक लैपटॉप है और उसकी कुछ कॉस्ट डिटेल्स आपको दी हुई है। हिस्टोरिकल कॉस्ट 5,000। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या चीज होती थी बताओ, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या चीज होती थी, हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या मतलब होता था? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता था कि ये चीज इस बंदे ने जितने की पास्ट में खरीदी थी। रियलाइजेबल वैल्यू क्या चीज होती थी, रियलाइजेबल वैल्यू क्या चीज होती थी, रियलाइजेबल वैल्यू का क्या मतलब होता था? रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब ये होता था कि ये एसेट अगर ये बाजार में जाकर बेचेगा तो जितने का बिकेगा, ठीक है, इसका मतलब होता था ये रियलाइजेबल वैल्यू है। रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होती थी, जितने का अगर ऐसा ही एसेट बाजार से खरीदा तो जितने का मिलेगा। द लैपटॉप इज नो मोर नीडेड बाय हिम, लैपटॉप की इसको कोई जरूरत नहीं है, एंड इज यूजलेस फॉर ऑल पर्पसेस, और इसके लिए ये यूजलेस है। हिज फ्रेंड हैज ऑफर्ड हिम ₹4,100 फॉर द लैपटॉप। इसके दोस्त ने बोला है, भाई 4,100 में मुझे ये लैपटॉप दे दो। क्या हमें ये लैपटॉप दे देना चाहिए? हमें लैपटॉप के बदले 4,100 आ रहे हैं, हम 4,100 का जो रेवेन्यू है उसकी कंपैरिजन किससे करेंगे? क्या हम 4,000 से कंपैरिजन करेंगे या 4,500 रुपए से कंपैरिजन करेंगे? हमें ये देखना होता था कि वो एसेट जो हम किसी को दे रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या वो मेरे रेगुलर यूज में है या नहीं। यहाँ पर ये एसेट मेरे रेगुलर यूज में नहीं है, यानी कि मैं इसका जो कंपेरिजन करूंगा वो 5,000 से करूं
4,000 से करूं या 4,500 से करूं, क्या करते थे हम? अगर कोई एसेट मेरे रेगुलर यूज में नहीं है, अगर कोई एसेट मेरे रेगुलर यूज में नहीं है तो उसका कंपैरिजन मैं रियलाइजेबल वैल्यू से करता था, याद है ना? रियलाइजेबल वैल्यू से हम कंपैरिजन करेंगे कि भाई अगर ये मेरे इस्तेमाल में नहीं है तो अगर मैंने इसको बाजार में बेचा तो कितने का बिकेगा? 4,000 का। इसको दे दिया तो कितने का? 4,100 का। तो 100 रुपए का मुझे फायदा होगा। तो 2 का आंसर जो है वो होगा यस। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। मिस्टर ए हैज गॉट अ लैपटॉप विद फॉलोइंग कॉस्ट डिटेल्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू। द लैपटॉप इज नीडेड बाय हिम एंड इफ इट इज सोल्ड ही विल नीड अनदर लैपटॉप फॉर हिमसेल्फ। जो लैपटॉप है वो इसकी जरूरत है, इसको जरूरत है इस लैपटॉप की, और अगर बेच दिया तो ऐसे लैपटॉप इसको खरीदना पड़ेगा। इसके दोस्त ने 4,100 रुपए ऑफर करें। इस केस में क्या करते थे? इस केस में कंपैरिजन हमारे रिप्लेसमेंट वैल्यू से होता था, यानी कि हम ये सोचते थे कि अगर ये मैंने इसको दे दिया तो मुझे 4,500 में नया खरीदना पड़ेगा, यानी कि 400 रुपए और मिलाने पड़ेंगे फिर आएगा। तो हमारा आंसर नो होगा। ये वही बात है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बस सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है और कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद स्ट्रेंथन हो रहे हैं। अगर कोई चीज मेरे रेगुलर यूज में होती है तो मैं कंपैरिजन रिप्लेसमेंट वैल्यू से करता हूँ, क्योंकि अगर 4,100 में मैंने अपने दोस्त को दे दिया तो फिर 4,500 रुपए में मुझे उसको खरीदना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर ए हैज गॉट अ लैपटॉप विद फॉलोइंग कॉस्ट डिटेल्स, मिस्टर ए के पास एक लैपटॉप है और उसकी कुछ डिटेल्स है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, रियलाइजेबल वैल्यू है, रिप्लेसमेंट वैल्यू है। द लैपटॉप इज नो मोर नीडेड बाय हिम, इसको उस लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं है, एंड इज यूजलेस फॉर हिम, और इसके लिए एकदम यूजलेस है। बट दिस लैपटॉप कैन बी गिवन टू हिज ब्रदर हु नीड्स इट, इफ ही डज नॉट गिव इट टू हिज ब्रदर ही विल हैव टू बाय अ लैपटॉप फॉर हिज ब्रदर फॉर ₹4,050। His friend has offered him 4,100 for the laptop. Shall he sell the laptop to his friend? चलें, अब बताएं आप क्या करेंगे? 4,100 का कंपैरिजन किस चीज से होगा? 4,100 का जो कंपैरिजन होगा वो किस चीज से होगा, बताएं क्या करेंगे? 4,100 का कंपैरिजन किस चीज से करेंगे? एक ऑल्टरनेटिव यूज है हमारे पास, करेक्ट? बताएं भाई। क्या होगा? अगर मेरा दोस्त मुझे 4,100 रुपए दे रहा है तो मैं इसका कंपैरिजन किस चीज से करूंगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट 5,000 है, रियलाइजेबल वैल्यू 4,000 है, यानी कि ये रियलाइज 4,000 में होगा, रिप्लेसमेंट वैल्यू 4,500 है। अच्छा, अब रिप्लेसमेंट वैल्यू 4,500 है, यानी कि ऐसा ही नया खरीदा तो 4,500 का मिलेगा। द लैपटॉप इज नो मोर नीडेड बाय हिम एंड इज यूजलेस फॉर हिम, इसके लिए ये लैपटॉप यूजलेस है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये अगर मैंने दे दिया तो मैं नया खरीदूंगा। अगर मैं नया खरीदता तो रिप्लेसमेंट वैल्यू रेलिवेंट होती, मैं तो नया नहीं खरीदूंगा। बट दिस लैपटॉप कैन बी गिवन टू हिज ब्रदर हु नीड्स इट, इफ ही डज नॉट गिव इट टू हिज ब्रदर ही विल हैव टू बाय अ लैपटॉप फॉर हिज ब्रदर फॉर ₹4,050। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने ये लैपटॉप अपने दोस्त को दे दिया, अगर मैंने ये लैपटॉप अपने दोस्त को दे दिया तो क्या होगा? तो सर कुछ इस तरह से होगा कि आपको 4,050 रुपए का लैपटॉप अपने भाई के लिए लेना पड़ेगा। 4,500 में आप मार्केट से नहीं लोगे, 4,500 में ये इसलिए मार्केट से नहीं लूंगा, 4,500 में इसलिए मार्केट से नहीं लूंगा क्योंकि मुझे तो ये चाहिए नहीं था, तो मुझे अभी भी 50 रुपए बच रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है? लिहाजा मैं अपने दोस्त को लैपटॉप दे दूंगा, 50 रुपए की तो बचत है ना, समझ में आई बात? यानी कि कंपैरिजन जो है ना, जब हम कोई चीज जो है वो रिप्लेस नहीं करेंगे तो हम ये देखते हैं कि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू या उसका जो ऑल्टरनेटिव यूज है ना उसमें से क्या चीज ज्यादा है। क्लियर है? क्लियर है भाई? ये भी वही बात है जो हमने पहले पढ़ी हुई है, ये सारी वही बातें हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। क्या ये बात भी क्लियर है? हम कंपैरिजन नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव वाली वैल्यू से करेंगे जो कि 4,050 है।
हो गया। अच्छा उसके बाद अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, अ कंपनी इज डिसाइडिंग वेदर टू अंडरटेक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। द कॉन्ट्रैक्ट विल रिक्वायर 10 आवर्स ऑफ लेबर, सेल्स रेवेन्यू। अच्छा यार इसको जरा देखो, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं जरा एक कॉल अटेंड कर लूं। जी तो अच्छा साफ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में ये होगा, अ कंपनी इज डिसाइडिंग वेदर टू अंडरटेक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। द कॉन्ट्रैक्ट विल रिक्वायर 10 आवर्स ऑफ लेबर, सेल्स रेवेन्यू इज 200, लेबर कॉस्ट ₹15 पर आवर। शैल द कंपनी प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट, सपोर्ट योर आंसर विद एप्रोप्रिएट वर्किंग। बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे। अच्छा जी करेंगे कुछ इस तरह से, करेंगे कुछ इस तरह से कि हम ये कहेंगे कि भाई हमारा जो सेल्स रेवेन्यू है वो 200 है, ठीक है, और हमारी जो लेबर की कॉस्ट है, हमारी जो लेबर की कॉस्ट है, हमारी जो लेबर की कॉस्ट है वो होगी 15 इंटू 10, यानी कि हम इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास ₹50 जो है वो बच रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। सही है भाई। हाँ भाई सही है। अच्छा जी अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, अ कंपनी इज डिसाइडिंग वेदर टू अंडरटेक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। द कॉन्ट्रैक्ट विल रिक्वायर 10 आवर्स ऑफ लेबर, सेल्स रेवेन्यू इज 200, द करंट वर्कर्स आर चार्जिंग फिक्स्ड मंथली सैलरी एंड हैव 7 आवर्स ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, एडिशनल लेबर कैन बी हायर्ड फॉर 3 आवर्स एट ₹15 पर आवर। शैल द कंपनी प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट, सपोर्ट योर आंसर विद एप्रोप्रिएट वर्किंग। अब देखिए इस दूसरे केस में ऐसा है कि आपके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट आया जिससे मिलने वाला सेल्स रेवेन्यू है 200, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए लेबर चाहिए और लेबर के 10 घंटों की जरूरत है, लेबर के टोटल 10 घंटों की जरूरत है। द करंट वर्कर्स आर चार्जिंग फिक्स्ड मंथली सैलरी एंड हैव 7 आवर्स ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, जो आपके करंट वर्कर्स हैं वो आपसे एक फिक्स्ड माहाना मंथली सैलरी लेते हैं और 7 घंटे की स्पेयर कैपेसिटी है, 7 घंटे वो आपके लिए काम कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों, क्योंकि फारिग बैठे हुए हैं ना, उनको अभी मैंने कहीं पर भी इस्तेमाल ही नहीं करा, वो उनको एक सैलरी दे रहा हूं और उस सैलरी में वो XYZ काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास 7 आवर्स बच जाते हैं और वो जो 7 आवर्स बच जाते हैं उसमें वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। बात को समझ में आ रही है। द करंट वर्कर्स आर चार्जिंग फिक्स्ड मंथली सैलरी एंड हैव 7 आवर्स ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, द करंट वर्कर्स आर चार्जिंग फिक्स्ड मंथली सैलरी एंड हैव 7 आवर्स ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, करंटली जो वर्कर्स हैं वो उनको एक फिक्स सैलरी दी जा रही है और उनके पास 7 घंटे स्पेयर कैपेसिटी है, यानी कि 7 घंटे तो वो आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर सकते हैं, आपका कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं होगा। हाँ जो बचे हुए 3 घंटे हैं उसके लिए आपको ₹15 के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, लिहाजा इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि 155 की टोटल बचत है। देखो कॉन्ट्रैक्ट को अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो भी फिक्स सैलरी दे रहा था और कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूं तो भी फिक्स सैलरी दे रहा हूं, तो लिहाजा मेरा जो एक्स्ट्रा आउटफ्लो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने से हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 155 हो रहा है। करेक्ट, बात समझ में आ रही है। सो 200 माइनस 45, 155 बनता है। क्या ये बात क्लियर है, क्लियर है ये बात। ₹200 में से 45 माइनस करेंगे, ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है और ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। फिक्स सैलरी तो मैं दे ही रहा था और 7 घंटे वो स्पेयर बैठे हुए थे, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाता तो भी वो फारिग बैठे हुए थे, और कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ तो उसके लिए वो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे मुझसे। समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, अ कंपनी इज डिसाइडिंग वेदर टू अंडरटेक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट।
कॉन्ट्रैक्ट विल रिक्वायर 10 आवर्स ऑफ लेबर, सेल्स रेवेन्यू इज 200, द करंट वर्कर्स आर चार्जिंग फिक्स्ड मंथली सैलरी एंड हैव 7 आवर्स ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, एडिशनल लेबर कैन बी हायर्ड एट अ सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ फॉर 40 आवर्स, शेल द कंपनी प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट, सपोर्ट योर आंसर विद एप्रोप्रिएट वर्किंग। चलो जी, इसका बताओ क्या होगा, क्या करेंगे? हाँ जी, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बताएं बताएं, क्या करेंगे, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा एक चीज जरा मैं बता दूं यार, मेरा व्हाट्सएप पता नहीं क्यों ब्लॉक हो गया है, लेकिन मैंने एक नया अभी व्हाट्सएप बना रहा हूँ। मेरा नया एक नंबर नोट कर लो, 0666000822, ठीक है? उसमें भी थोड़े से मसले आ रहे हैं, लेकिन अगर बन जाता है तो अब मैं ये वाला व्हाट्सएप टेम्परेरीली चला रहूंगा। आप लोग जरा इस नंबर को सेव कर लो, और सेव कर लो, सही है ना, मुझे मैसेज कर देना। लेकिन जैसे ही बनता है, अभी वो इनिशियलाइजिंग प्लीज वेट अ मोमेंट दिखावा आ रहा है, पता नहीं क्यों पिछला नंबर बंद हो गया, लेकिन जैसे ही पिछला नंबर चलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 0345308632 था, तो मैं उसमें वापस से शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है? हाँ जी, बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 सोचो जरा। देखो हमें ये देखना होता है, कोई हम डिसीशन लेंगे ना, तो उसकी वजह से हमारे खर्चों में कितना इजाफा आएगा और हमारे रेवेन्यूज में कितना इजाफा आएगा। अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता हूँ, अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता हूँ, तो मेरा सेल्स रेवेन्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 200, ठीक है? और मेरी कॉस्ट जो है उसमें कितना इजाफा होगा, मेरी कॉस्ट जो है उसमें कितना इजाफा होगा अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता हूँ, अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता हूँ तो क्या होगा, बताएं? अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता हूँ तो सेल्स रेवेन्यू में ₹200 का इजाफा होगा और कॉस्ट में कितना इजाफा होगा? अरे भाई जिंदा हो, थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लो, थोड़ा सा मुझे बता दो कि क्या अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता हूँ तो रेवेन्यू 200 से इंक्रीज होंगे, खर्चे कितने से इंक्रीज होंगे? मुबारक हो भाई, वो वाला व्हाट्सएप 0336 वाला नया व्हाट्सएप चल रहा है, आप लोग सब जो है ना वो अपने कंप्लीट नाम के साथ मुझे मैसेज कर दो, और काइंडली यार एडमिन को भी बोल देना कि मुझे जो है ना वो कैफ के ग्रुप में ऐड कर दे। अब मैं इससे कोई भी मैसेज खुद नहीं करने वाला, जिसका आएगा उसको रिप्लाई करेंगे, ठीक है? खैर बताओ भाई। तो भाई हेलो, सब मौजूद हो ना? अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता हूँ तो ₹200 का रेवेन्यू में इजाफा आएगा, अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता हूँ तो ₹3,000 का खर्चियों में इजाफा आएगा, है ना? तो नेट क्या होगा, नेट मुझे ₹2,800 ज्यादा खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं ₹2,800 से नेट। बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ जी, कुछ बात समझ में आ रही है? ₹3,000 कैसे? देखो मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट पर 10 घंटे के लिए काम करवाना था लेबर से, ठीक है? मैं कॉन्ट्रैक्ट पर 10 घंटे के लिए काम करवाना था लेबर से। अच्छा, लेबर से जब 10 घंटे काम करवाऊंगा तो 60 घंटे तो स्पेयर कैपेसिटी है, मजीद 3 घंटे चाहिए। अब मजीद 3 घंटे के लिए ऐसा नहीं है जैसे पिछले सवाल में था कि मैं ₹15 पर आ दे दूं, वो बोलता है तुम्हें एक नया लेबर रखना पड़ेगा जो कि पूरे महीने के ₹3,000 लेगा और 40 घंटे काम करने को तैयार होगा, उसी में से 3 घंटे मिलेंगे ना, तो मेरी जेब से एक्स्ट्रा पैसे 3,000 टोटल चले जाएंगे ना पूरे। बात समझ में आई? ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, अ कंपनी इज डिसाइडिंग वेदर टू अंडरटेक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, द कॉन्ट्रैक्ट विल रिक्वायर 10 आवर्स ऑफ लेबर, सेल्स रेवेन्यू इज 200, लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई, लेबर शॉर्ट सप्लाई में। अच्छा, जब लेबर शॉर्ट सप्लाई में होती है ना तो होता ही है,
कि अगर लेबर को आप किसी काम पर लगाते हो, लेबर को अगर आप किसी पर्टिकुलर काम पर लगाते हो तो आप उसको कहीं से डाइवर्ट कर रहे होते हो। लेबर को आप किसी काम पर लगाते हो तो आप उसको कहीं से डाइवर्ट कर रहे होते हो। अब जब आप लेबर को डाइवर्ट करोगे तो वो जहां पर कुछ एक्स वाई जेड रुपीज आपको कमा कर दे रहा था वो नहीं दे पाएगा, है ना। तो लिखा हुआ है द कॉन्ट्रैक्ट विल रिक्वायर 10 आवर्स ऑफ लेबर, सेल्स रेवेन्यू इज ₹200, लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई, करेंटली कंपनी इज यूजिंग इट्स एग्जिस्टिंग लेबर फॉर 10 आवर्स एट ₹15 पर आवर, एंड द लेबर इज अर्निंग कंपनी अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹12 पर आवर, शेल द कंपनी प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट, सपोर्ट योर आंसर विद अप्रोप्रिएट वर्किंग। अच्छा जी, अब अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया तो मुझे ₹200 मिलेंगे, लेकिन दो बातें होंगी। एक तो मुझे लेबर को पैसे देने पड़ेंगे जो कि होंगे 10 घंटे के ₹15 के हिसाब से। दूसरा, कंट्रीब्यूशन भी तो लॉस्ट होगी, लॉस्ट कंट्रीब्यूशन, लॉस्ट कंट्रीब्यूशन, लॉस्ट कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 10 × 12, यानी कि मेरा लेबर एक तो मुझसे पैसे लेगा, दूसरा जिस जगह पर काम कर रहा था उस जगह से इधर आएगा, जिस जगह पर काम कर रहा था उस जगह से इधर आएगा, डाइवर्ट होगा। जब वो डाइवर्ट होगा तो उसकी डाइवर्जन की वजह से मुझे जो है वो ₹12 का पर आर मजीद नुकसान होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। एक तो लेबर जो है वो खुद ₹150 लेगा, दूसरा वो डाइवर्ट होगा, तो डाइवर्ट होगा तो जहां से वो कमा कर दे रहा था वो कमा के नहीं दे पाएगा। तो क्या मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए ऑर्डर, नो नहीं करना चाहिए? यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है कि जब आपका लेबर डाइवर्ट होगा तो एक तो वो खुद भी पैसे ले रहा होगा, दूसरा वो जो कमा कर दे रहा था वो कमा कर नहीं दे पाएगा। तो 200 में से 150 और 120 दोनों माइनस होगा और 70 बच जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है जी, क्लियर है? बताओ भाई। सही है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग इज द डिटेल अबाउट टू प्रोडक्ट्स ऑफ अ कंपनी। प्रोडक्ट ए सेलिंग प्राइस 500, वेरिएबल कॉस्ट 300, कंट्रीब्यूशन 200। प्रोडक्ट बी सेलिंग प्राइस 700, वेरिएबल कॉस्ट 200, कंट्रीब्यूशन 500। इफ द कंपनी कैन प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट ओनली, कंपनी अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाकर बेच सकती है, विच प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस, तो कंपनी को कौन सा प्रोडक्ट बनाकर बेचना चाहिए? अगर कंपनी प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में से एक प्रोडक्ट बनाकर बेच सकती है, एक प्रोडक्ट बनाकर बेच सकती है, तो कंपनी को प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में से कौन सा प्रोडक्ट बनाकर बेचना चाहिए बताएं? सर, कंपनी को प्रोडक्ट बी बनाकर बेचना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट बी जो है ना उसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा है। सही बात है, प्रोडक्ट बी जो है उसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू ज्यादा है, तो कंपनी को जो प्रोडक्ट बी है वो बनाकर बेचना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आज का आखिरी सवाल। अच्छा यार, ये नंबर नोट कर लीजिएगा, आई डोंट नो कि व्हाट्सएप में क्या मसला हुआ है, लेकिन मेरा व्हाट्सएप दूसरे वाले नंबर पे नहीं चल रहा, तो अभी मैं फिलहाल ऊपर वाले नंबर पर अवेलेबल हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग इज द डिटेल अबाउट टू प्रोडक्ट्स ऑफ अ कंपनी। प्रोडक्ट ए सेलिंग प्राइस है 500, वेरिएबल कॉस्ट है 300, कंट्रीब्यूशन है 200, मटीरियल नीडेड इन केजीज 2, यानी कि एक यूनिट को बनाने के लिए 2 किलो लगता है। प्रोडक्ट बी की सेलिंग प्राइस 700 है, वेरिएबल कॉस्ट 200 है, कंट्रीब्यूशन 500 है, मटेरियल नीडेड इन केजी 10 है, यानी कि 10 केजी का मटेरियल लगता है। इफ द कंपनी हैज अनलिमिटेड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, अगर कंपनी की प्रोडक्ट ए की और प्रोडक्ट बी की अनलिमिटेड डिमांड है, ए और बी की डिमांड अनलिमिटेड है, जितने बनाकर बेचूंगा बिकेंगे, बट द मटीरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड ओनली 20 केजी ऑफ मटीरियल इज अवेलेबल, विच प्रोडक्ट मस्ट कंपनी प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। लेकिन कंपनी के पास मटीरियल 20 केजी अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ,
कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाकर बेचे? अब देखिए, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मेथड नंबर वन ये है कि आप देखें कि भाई अगर हम सिर्फ ए बनाते हैं तो ए के कितने यूनिट्स बना सकेंगे। टोटल मटेरियल मेरे पास 20 kg अवेलेबल है, ए के कितने किलो में बनता है? ए के कितने किलो में बनता है सर? एक ए का यूनिट 2 किलो में बनता है। तो 20 kg में मैं कितने ए के यूनिट्स बना लूंगा? अगर मेरे पास टोटल 20 kg रॉ मटेरियल है, अगर मेरे पास टोटल 20 kg रॉ मटेरियल है और एक ए का यूनिट 2 kg में बनता है, एक ए का यूनिट 2 kg में बनता है, तो मैं 10 यूनिट्स बना लूंगा। ठीक है, 10 यूनिट्स बना लूंगा। अच्छा, ये जो 10 यूनिट्स होंगे ये मुझे कितनी कंट्रीब्यूशन कमा कर देंगे? 200 रुपए के हिसाब से 2000 की। ठीक है, ये जो 10 यूनिट्स हैं वो 200 रुपए के हिसाब से मुझे 2000 की कंट्रीब्यूशन कमा कर देंगे। दूसरा, अगर मैं बी बनाऊं तो मैं बी के कितने यूनिट्स बना लूंगा? 20 kg मटीरियल अवेलेबल है, एक यूनिट 10 kg में बनता है, तो मैं 2 यूनिट्स बना लूंगा। अगर मैं दो यूनिट्स बना लूंगा तो एक यूनिट मुझे कितनी कंट्रीब्यूशन देता है? 500 की। तो 2 × 500 कितना हो गया? 2 × 500 कितना हो गया? 2 × 500 हो गया 1000। पहले तो इस मेथड को नोट करिएगा, मैं बस एक मिनट पे आया। अच्छा जी, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, एक तो ये वाला तरीका है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि 20 kg मटेरियल में 2-2 किलो वाले प्रोडक्ट है कितने बनेंगे? 10 बन जाएंगे। और 10 बनेंगे तो एक अगर 200 की कंट्रीब्यूशन कमा कर देता है तो 10 2000 की कंट्रीब्यूशन कमा कर देंगे। अच्छा, 10 10 किलो वाले कितने बी बन जाएंगे? 20 किलो में 2 बन जाएंगे। अगर 2 बन जाएंगे और एक जो है वो आपको 500 की कंट्रीब्यूशन कमा कर देता है तो 2 जो है वो 1000 की कंट्रीब्यूशन कमा कर देंगे। एक तरीका ये हो गया, समझ में आई बात? एक तरीका ये हो गया, क्लियर है? मेथड नंबर टू। अच्छा, इसके हिसाब से हमें करना क्या चाहिए? हमें ये बनाने चाहिए ना, क्योंकि ये जो है उसकी टोटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। मेथड नंबर टू सुनिएगा, मेथड नंबर टू ये है कि आप देखिए कि भाई कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कितना है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देखिए, ए का एक यूनिट 200 की कंट्रीब्यूशन दे रहा है, बी का एक यूनिट 500 की कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मटीरियल कितना लगता है इन केजीज? मटीरियल इन केजीज यहां पर 2 किलो लगता है, यहां पर 10 किलो लगता है। तो कंट्रीब्यूशन पर केजी की कितनी वैल्यू है? कंट्रीब्यूशन पर केजी 200 डिवाइडेड बाय 2 और 500 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ए और बी, ए पे 200 रुपए की कंट्रीब्यूशन है, एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg लगता है, तो कंट्रीब्यूशन पर केजी 200 है, 100 है। बी का एक यूनिट जो है वो 500 रुपए की कंट्रीब्यूशन देता है, 10 kg उसमें मटीरियल लगता है, तो कंट्रीब्यूशन पर केजी 50 है। और फिर आप रैंकिंग कर लो। रैंकिंग का मतलब ये है कि देखें, यहां पर अगर मैं ए पर 1 kg मटेरियल लगाता हूं तो 100 रुपए कमा सकता हूं, बी पर 1 kg मटेरियल लगाता हूं तो 50 रुपए कमा सकता हूं। तो मैं कहूंगा कि ए की फर्स्ट रैंकिंग है और बी की सेकेंड रैंकिंग है। ए की फर्स्ट रैंकिंग क्यों है? ए की फर्स्ट रैंकिंग इसलिए है क्योंकि ए पर मटेरियल इस्तेमाल कर ज्यादा पैसे अर्न करे जा सकते हैं। तो हम ए बनाएं और 1 kg से 100 रुपए की कंट्रीब्यूशन आती है, 20 kg से 2000 की कंट्रीब्यूशन आएगी। ठीक है जी, ये मेथड नंबर टू है। अब अगेन मैं आपको आज की एक्सेल की फाइल भी दे दूंगा और ये लेक्चर भी पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। आप लोग ये 10 सवाल अच्छे से दोबारा से देखिएगा। अगली क्लास में आगे के 10 सवाल करेंगे और फिर 10 सवाल करेंगे। इसी तरह से 30 सवाल हमें करने हैं जिससे आपके रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे। मीनवाइल आप अपनी जितनी भी तैयारी कर रहे हैं दूसरे चैप्टर्स की वो करते रहें।